राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। कई दिग्गज उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरे थे और सबकी निगाहें इसी पर, किसकी होगी सरकार। जी बता दे, बिल्कुल आपसे कुछ ही देर बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे, लेकिन हम इस समय गोरखपुर के पार्क में हैं। पार्क में हमारे साथ कुछ जनता भी है, कुछ लोग भी हैं, उनके पास चलेंगे। और आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन इसके पहले ये सेमीफाइनल है। क्या लगता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम में क्या हो, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हर जगह भाजपा ही आएगी। हाँ, हर जगह भाजपा को आना भी चाहिए। अगर अपने देश को सुरक्षित रखना है तो भाजपा को ही आना चाहिए। सौ लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या लगता है बाबा, क्या किसकी सरकार आ रही है छत्तीसगढ़ राजस्थान में? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी क्यों? बीजेपी मोदी का नेतृत्व है, इसलिए बीजेपी। देखिए, सब लोग बीजेपी कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलते हैं। क्या लगता है भाई, आप बताइए, आप बताइए, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की सरकार आ रही है। अरे गजब, बीजेपी की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। सब लोग बीजेपी कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है बाबा, किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? अब मोदी जी की वजह से। एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहा है। एग्जिट पोल गलत बताता है, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, एग्जिट पोल फेल हो जाता है। सामने परिणाम आने के बाद से पता चल जाएगा, हर जगह बीजेपी की सरकार बन रही है। जय श्री राम। लोग बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनके पास। ठीक है विनय, देखिए बीजेपी बीजेपी की गूंज है, लेकिन देखना होगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो क्या कुछ होता है। दतिया से हमारे साथ विनीत दुबे जुड़ गए, बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ गए, तो लखनऊ से शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, सबसे पहले आपके पास सरकार किसकी बनेगी, सबकी जो निगाहें इसी पर टिकी हुई है, सबसे पहले बताए, थोड़ी देर में जो है वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, किस तरह से तैयारियां वहां पर की गई है? और बिल्कुल, मैं आपको इस हॉट सीट की तैयारियां दिखा देता हूं, क्योंकि हॉट सीट मैंने इसलिए बोला कि दतिया जो है वो मां पीताम्बरा का धाम है और यहां से खुद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है वो चुनावी मैदान में है। क्या कुछ खास तैयारियां वो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले ये ग्वालियर हाईवे है जिसको कहा जाता है, जो दतिया की तरफ आता है, यहां पर रोड पर ही पूरी तरीके से ब्लॉकिंग कर दी है। किसी भी व्यक्ति को बिना कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हर किसी के व्यक्ति की जो वाहन है वो बाहर ही पार्क कराए जा रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं पीछे, जहां पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है, जहां पर पूरी काउंटिंग हो रही है। तो आप नजर डालेंगे तो यहां से जो पैदल का रास्ता है, करीब यहां से आप देख सकते हैं 300-400 मीटर का जो रास्ता है, उसे क्रॉस करने के बाद सामने जो आपको कॉलेज दिखाई दे रहा है, यहां पर एक काउंटिंग शुरू होगी। 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी और 8:30 से लेकर जो ईवीएम मशीनों से गिनती शुरू हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि हर किसी की धड़कनें तेज है, तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बीजेपी की प्रतिष्ठा कह सकते हैं, कांग्रेस लगातार अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी जो है वो लगातार इसमें तमाम दिग्गज जो है और चुनावी मैदान में होते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उन्होंने करीब 12 से 14 उन्होंने रैलियां की, तमाम जनसभा की, तमाम रोड शो उन्होंने किए। और खुद यहां पर सबसे बड़ी अहम कड़ी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कांग्रेस में जब वो थे तो उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पे बढ़त बनाई थी, और इस बार जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो अब देखने वाली बात होगी कि उनका जो परचम है वो किस तरीके से यहां लहराता है। और खुद नरोत्तम मिश्रा की अगर बात की जाए तो वो एक ब्राह्मण यहां चेहरा है और बहुत ही एक कद्दावर नेता के रूप में उन्होंने यहां जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें, सरकार की बात करें या मोदी जी के मंत्रिमंडल की बात करें, तो 8-8 विभागों की जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। खुद एक प्रदेश का एक जो सेकंड नंबर का कैडर का जो बड़ा पद है वो उनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनावी मैदान में जो लड़ाई है वो बाकी बहुत अच्छी और बहुत अहम देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से सीट बचाने की कोशिश कर रही है कि अपनी सीट बचाई जाए, लेकिन यहां पर ये दतिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और यहां पर नरोत्तम मिश्रा लगातार शुरू से ही, अगर 2008 से बात की जाए तो उनका परचम यहां पर हमेशा से फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखने वाली बात होती है कि इस बार क्या कुछ आंकड़े कहते हैं और जनता वाकई विनीत, देखिए जैसा कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया, कांग्रेस में थे तो जनता का साथ उनको मिला था, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं अब ये भी देखना बहुत मायने रखता है, बहुत जरूरी होगा कि अब जनता का जनाधार उनके साथ रहता है कि नहीं।
बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि उनके साथ अब जनता कितनी साथ है, क्योंकि यहाँ पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी। और यहाँ पर देखें, चाहे मोदी फैक्टर की बात की जाए, वो यहाँ पर जरूर काम करेगा। बाई और डब्लू का जो फैक्टर है, बाई का मतलब हम युवा से बात कर रहे हैं जो युवा है, और डब्लू का फैक्टर जो है वो वुमेन से, क्योंकि इस बार जो नतीजे थे, जो जब जब यहाँ पर ठीक है, चलिए देखना होगा कि चुनावी नतीजे आते हैं और क्या तस्वीरें होगी। बने रहे हमारे साथ संवाददाता शुभम, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शुभम, देखिए गोरखपुर से जब विनीत जुड़े थे और वो जब जनता से बात कर रहे थे तो बीजेपी बीजेपी की गूंज नजर आ रही थी। जरा आप बताए कि जनता का क्या कहना है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जो बड़े चेहरे थे वो चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए थे। जी बिल्कुल, देखिए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर इन परिणामों का भी प्रभाव उत्तर प्रदेश में होना, और इन परिणामों का असर और इन यहाँ के क्षेत्रीय दल उनकी ताकत कितनी ज्यादा रही, यह भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें खासतौर से समाजवादी पार्टी और आरएलडी, ये सभी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी अपनी कई सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो ऐसे में आज जब मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम आएंगे तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि समाजवादी पार्टी की क्या ताकत है, और आरएलडी जो राजस्थान में प्रभावी तौर पर कई सीटों पर चुनाव लड़ी है, इनको वो वहां पर कितनी सीटें जीतते हैं। क्योंकि जब अगर इनकी सीटों में कहीं ना कहीं अगर बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के इंडिया गठबंधन में तब ये मोलतोल की स्थिति में कांग्रेस के साथ आएंगे। और अगर कांग्रेस इन राज्यों में मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट उतारते जीतती है, उनके विधायक बनते हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि 2024 का गठबंधन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उसे लीड करेगी। यानी ये कहिए कि स्टीयरिंग पर बैठ करके तमाम अन्य राजनीतिक दल है उनको सीट बांटने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आज के परिणाम, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उसके अलावा जो अन्य राज्य हैं, इन सभी राज्यों के परिणाम भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और कहीं ना कहीं 2024 की तस्वीर भी आज के इन पांच राज्यों के चुनाव के परिणामों से साफ हो जाएगी। बाकी शुभम, देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ पहुंचे, राजस्थान पहुंचे, मध्य प्रदेश पहुंचे, तो राम मंदिर का जिक्र उन्होंने किया और जनता से पूछा राम मंदिर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो क्या ये फैक्टर काम करेगा क्या? निश्चित तौर पर तमाम ऐसे फैक्टर हैं, ये सभी फैक्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी वो खुद गए, इन तमाम राज्यों में उनके काफी ज्यादा लोकप्रियता है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में लगभग हर विधायक की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम और उनके रैलियों की बात डिमांड की गई थी, और लिहाजा पार्टी ने भी, राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतनी ही ज्यादा से ज्यादा उनके संवाद, ज्यादा से ज्यादा उनकी रैलियां मध्य प्रदेश के लोगों के साथ, राजस्थान के लोगों के साथ किया, जिससे कि सीधा प्रभाव जो उत्तर प्रदेश में हर बार एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे दोबारा चुनाव लड़ने की बात हो, उन तमाम रिकॉर्डों को तोड़ती उत्तर प्रदेश हमेशा, तो उसी का प्रभाव इन राज्यों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव और उनकी लोकप्रियता का असर भारतीय जनता पार्टी को वोट में तब्दील हो पाए, उनके विधायक बढ़ पाए, लिहाजा इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी ज्यादा वहां पर दौरे किए गए थे। और निश्चित तौर पर उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां पर भी गए हैं उन जिलों में, उन राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा, और उसका परिणाम भी कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। अब गोरखपुर से विनय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, जब आप जनता से बात कर रहे थे तो बीजेपी बीजेपी की गूंज आ रही थी। जी बता दें कि हाँ, यहाँ जो भी लोग थे वो बीजेपी की गूंज कर रहे थे, और बीजेपी ही आई क्योंकि मोदी के नेतृत्व की सरकार है। कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलते हैं। आज जो है मतगणना है, होना है विधानसभा चुनाव के, चार राज्यों का मतगणना होना, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो लगभग मध्य प्रदेश में तो क्लियर है, राजस्थान में भी क्लियर है बीजेपी का ही, और छत्तीसगढ़ में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन होना चाहिए मतदान को एक तरफा लेना चाहिए, एक तरफा मतलब सुरक्षा देखना चाहिए, सुरक्षा और देश हित में ही वोट करना चाहिए। अब तो वोट हो चुकी है फिलहाल, अब जैसा उनकी मर्जी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा ये 100% असर डालेगा। और रही बात यह कि असर मत देखिए, उत्तराखंड और या कहीं की बात हो, वो चुनाव लोकसभा की टोटल अलग होती है विधानसभा से, इसका कोई असर नहीं है, वहां तो मोदी ही सरकार रहेगी हमेशा। चलिए कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है आज? मोदी की सरकार तो मध्य प्रदेश में बनी रही है,
रहा केवल राजस्थान और यानी विनय देखिए जो भी जनता है बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। हालांकि तस्वीरें साफ होगी, इंतजार करना होगा। बने रहे हमारे साथ, हमारे साथ बिलासपुर से रोशन जुड़ गए हैं। रोशन, छत्तीसगढ़ में आज जो चुनावी जो रिजल्ट है, इलेक्शन के रिजल्ट सामने आएगा, कौन आके कौन पीछे और कौन से जो बड़े चेहरे हैं उनकी क्या जो स्थिति होगी वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। सबसे पहले बताएं मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है। बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो स्ट्रांग रूम जो है शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तैयारियों को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था की चौक चौमन व्यवस्था जो वो की गई है और जो एजेंट है प्रत्याशी के जो एजेंट है उनके जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है 8 बजे जो है वो बैलेट पेपर की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि जो रुझान है वो 9 बजे जो पहला रुझान आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। और ये जिले की अगर हम बात करें तो जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं जिनमें जो है एक कड़ा मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस में देखा जा रहा है क्योंकि संभाग की भी अगर हम बात करें तो संभाग में 25 सीटें और 13 वीआईपी जो सीटें हैं बिलासपुर संभाग में आती हैं और कहा जाता है कि जो बिलासपुर जीतता है वो सरकार में कहीं ना कहीं एक टीम जो है वो वहां का बनता है। तो ये स्थितियां बदलेगी और निश्चित तौर पर अगर हम देखें बिलासपुर की अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला भाजपा कांग्रेस में देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आज मतगणना होगी और जिसके बाद जो है पता चल जाएगा कि मतगणना के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। रोशन, देखिए किसान कर्ज माफी, ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो कांग्रेस का है और 2018 में यही वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया था तो सरकार बनी थी। तो क्या लगता है ये फैक्टर कितना काम करता हुआ नजर आएगा इस बार? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये मास्टर स्ट्रोक पिछले बार जो कांग्रेस ने खेला था उसका ही असर था कि कांग्रेस जो है सत्ता पर काबिज हुई थी क्योंकि छत्तीसगढ़ है कृषि प्रधान देश है तो सीधा और सभी पार्टियों का जो है वो फोकस जो रहता है किसान पर रहता है क्योंकि किसान ही जो है वो सरकार जो है वो बनाती है। इसलिए घोषणा पत्र में भी ये देखने को मिला था कि कांग्रेस की ओर से कर्ज माफी किया गया, समर्थन मूल्य